नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला के श्यामा माई मंदिर में दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में किसी डीएम के द्वारा पहली बार बैठक में भाग लिया गया है। डीएम राजीव रोशन के द्वारा ही जानकारी दिया गया कि दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर न्याय समिति द्वारा मंदिर परिसर में अवस्थित सभागार में श्यामा माई मंदिर न्याय समिति की बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी दरभंगा शाह न्याय समिति के पदेन सचिव राजीव रोशन के द्वारा इस बैठक में भाग लिया गया। उल्लेखनीय है कि मंदिर परिसर में आयोजित श्यामा माई मंदिर न्याय समिति की बैठक में पहली बार किसी जिलाधिकारी ने भाग लिया। बैठक में मंदिर को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु विचार विमर्श किया गया है। श्यामा माई का दर्शन कीजिए, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर का बहुत ज्यादा लोग श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं और यहाँ हर एक मनोकामना पूर्ण होती है, जिनमें नौका विहार में बच्चों से लिए जाने वाले शुल्क 50 रुपये प्रति टिकट को घटाकर 20 रुपये करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा व कल्याणकारी हेतु जन कल्याण समिति बनाई गई, जो जन सुविधा एवं जन कल्याण के कार्यों की निगरानी अनुसरण करेगी। बैठक में श्यामा मंदिर न्याय समिति के उपाध्यक्ष कमलाकांत झा एवं कार्यकारी सचिव सह कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय श्रीपति मिश्र, मंदिर के प्रबंधक कोषाध्यक्ष एवं अन्य सभी सदस्य, मंदिर के जो मैनेजर हैं वो भी वहाँ मौजूद रहे हैं। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं आपको। बहुत सारे अच्छे प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें से एक तो जो यहाँ पे बच्चों के लिए नौका वगैरह का है, उसका दर कम करने पर सहमति बनी है। श्यामा थाली का प्रस्ताव आया है, जिसमें हम लोग कम लागत पे जो यहाँ लोग हैं तो हम लोग स्वास्थ्य चिकित्सा ये कर सकें। स्वास्थ्य चिकित्सा के प्रबंध की बात हुई है, इस प्रकार से हम लोग और भी कई सारे निर्णय लिए हैं। सर, राशि इस श्यामा न्यास समिति में काफ़ी है सर, उस पर ऐसा क्यों नहीं कुछ आयोजन किया जाए कि लोगों को इससे सीधा फायदा हो? इसी पे चर्चा हुई है कि किस प्रकार से हम लोग हेल्थ रिलेटेड लोगों का, जैसे आप देखेंगे कि महावीर मंदिर है तो वहाँ पर महावीर कैंसर संस्थान वगैरह चलता है और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे जो धार्मिक संस्थान हैं उससे लोक सेवा में, समाज सेवा में योगदान प्राप्त होता है। तो हम लोग भी किस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ें, इस पर चर्चा हुई है और कई सारे बिंदुओं पर देखा। कब तक लगता है कि सर पटल पर लोगों के बीच में दिखने को मिलेगा, लोग को इससे सीधा सीधा फायदा होगा? हम लोग प्रयासरत हैं, शीघ्र जो है जो लोग हैं हमारे समिति से जुड़े हुए काफ़ी ऊर्जावान हैं और काफ़ी सकारात्मक सोच रखते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोग इसके साथ आएंगे। माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति की बैठक हुई, इसके जो सचिव हैं पदेन सचिव दरभंगा के जिलाधिकारी वो भी आज बैठक में थे और जो सदस्य हैं वो लोग भी आज बैठक में थे। पूरा क्या बैठक हुआ और क्या निर्णय लिया गया? देखिए, मुख्य रूप से माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति के 11 सदस्य हैं। माननीय अध्यक्ष आज नहीं आ सके थे, इसलिए उनकी जगह पर उपाध्यक्ष ने अध्यक्षता की बैठक की। इसमें कुल 9 एजेंडा था। आज की बैठक में 9 पॉइंट पर चर्चा होनी थी। पहला था गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि, तो कहीं कहीं आंशिक संशोधन के साथ उसको संपुष्ट किया गया। गत बैठक के निर्णयों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन था, उसको स्वीकृत किया गया। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था मंदिर की मरम्मत, क्योंकि विगत 4-5 वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है, चुने की शिकायत मिल रही है। तो इसमें दो तरह का निर्णय लिया गया। एक निर्णय लिया गया कि एक बृहद एस्टिमेट बनाया जाए, प्राकलन तैयार करा के और किसी अभियंता से बात करके और उसकी देख रेख में उसका जीर्णोद्धार कराया जाए, और दूसरा हुआ तात्कालिक व्यवस्था के लिए 1,70,000 रुपया स्वीकृत किया गया कि गुंबद से जो पानी चू रहा है उसके लिए उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया कि आप किसी से ये करके डिपार्टमेंटली किसी अभियंता से बात कर लें और सबसे पहले वो चूने वाली व्यवस्था बंद कराएंगे। तीसरा था हमारा विवाह भवन है बगल में, उसमें यह है कि जल निकासी नहीं हो पा रही है, तो शिकायत रहती है लोगों की, हम लोगों को टैंकर से पानी निकलवाना पड़ता है। तो उसमें हुआ कि कुलपति जी थे ही, कुलपति से बात करके हम लोग उनका जो नाला है मिथिला विश्वविद्यालय वाला बड़ा, उसमें यहाँ से ह्यूम पाइप से हम लोग जोड़ दें ताकि वो पानी जैसे सबका निकलता है निकलता रहे। उसके बाद था कुछ विज्ञापन हम लोगों ने निकाला है, मंदिर में कुछ लिख पड़े हैं लेकिन थोड़ी अवधि ज़्यादा बीत चुकी है, तो हुआ कि नहीं फिर से नया विज्ञापन निकाला जाए और नया विज्ञापन निकाल के तब आगे अपनी कार्यवाही की जाए। एक और एजेंडा था कि मंदिर
क्या क्या समाज कल्याण की योजनाएं कर सकता है। तो इसको दो भाग में बांटा गया था। पहला भाग यह था कि जो योजनाएं हम पहले चलाते थे, जैसे निःशुल्क जाँच चिकित्सा शिविर प्रतिमा हम चलाते थे, कंबल वितरण वगैरह का कार्यक्रम था, गरीबों के बीच खाना पीना बांटते थे हम लोग, तो उसको हुआ कि कोविड के बाद रुका हुआ था, अब उसको प्रारंभ कर दिया जाए। और एक कमेटी बना दी गई जो कि और क्या क्या योजना हम चला सकते, तो उस पर यह निर्णय हुआ। बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में, खास करके जिलाधिकारी महोदय और कुलपति महोदय दोनों का बहुत ही अच्छा यह था। सर, जिलाधिकारी महोदय जैसा उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जन कल्याणकारी योजना पर उनका काफ़ी नज़र है। जैसे उन्होंने अपना ये भी कहा कि पटना की जो महावीर मंदिर है वो, उसमें कई बड़े बड़े योजना चल रहे हैं जिससे कि पब्लिक को सीधा सीधा लाभ हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है, उस पर क्या करने जा रही है आपका ये विभाग? देखिए, उस पर बहुत दिनों से हम लोगों का विचार चल रहा है। आचार्य किशोर कुणाल जी जो कि महावीर कैंसर संस्थान महावीर मंदिर ट्रस्ट से चलता है, उनसे बातें भी हुई थी, वो तैयार थे कि हम कुछ मशीन देंगे आपको और आप एक वहाँ केंद्र बनाइए जहाँ की प्रारंभिक जाँच हो और प्रारंभिक चिकित्सा हो, उसके बाद लोग आगे जाएँ। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम लोग जगह की व्यवस्था नहीं कर सके, थोड़ा सा आगे बढ़े लेकिन वो कामेश्वर धार्मिक न्यास की तरफ से हाईकोर्ट में गिर कर दिया गया और इसी पर तत्काल हो गया कि स्टेटस को आप रखें, हम लोगों व्यवस्था नहीं कर पाए। सर, आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से कार्य योजना आप बना रहे हैं कहीं ना कहीं जमीन मामले को लेकर जिनका इन पर स्वामित्व है वो समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, जिस पर कि आपके न्यास समिति द्वारा जो योजना तैयार किया जाता है उस पर कार्यान्वित नहीं होता है, जिससे कि कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? देखिए, जमीन पर स्वामित्व की जहाँ तक की बात है, इसमें तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिलाधिकारी ने आदेश पारित कर रखा है और उसमें पूरे भूभाग पर स्वामित्व माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति का निर्धारित किया है उन्होंने। लेकिन उसमें एक शर्त थी कि आप कोई भी योजना बनाएंगे, कुछ करेंगे तो राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करके करेंगे जिलाधिकारी वाला। तो ऐसे उन लोगों का टाइटल शूट अभी भी चल रहा है यहाँ न्यायालय में, तो न्यायालय का मामला है, उसमें तो कुछ हम लोग कह नहीं सकते हैं। और यदि कोई न्यायालय का अन्यथा आदेश होता है तो हमको मानना भी है, उसका सम्मान करना है, तो भविष्य की बात है। तो जिस प्रकार से योजना की चर्चा हुई अभी, तो आपको लगता है कि धरातल पर आपको दिखने को मिलेगा? नहीं, कुछ इसमें हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ये कर सकते हैं कि कुछ छोटी छोटी योजनाएँ हैं, हम किराए के मकान पर लेकर चला सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। वो खाली करने की हम लोग बहुत आत्मबल होना चाहिए और लगता है जैसा कि जिलाधिकारी महोदय से भी बातें हुई या कुलपति जी का भी कहना था, हमारे उपाध्यक्ष जी भी थे, ये हुआ कि हम लोग कुछ उस ढंग से भी करें ताकि कुछ आम जनता को लाभ हो। परिचय दे दिया। मैं प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी, महाश्रमा मंदिर न्यास समिति का शासक।